यमुनानगर से एक खबर आ रही है जिसमें एक फौजी की मौत हो गई, जिस पर हंगामा हो गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल नेशनल हाईवे पर रेत से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा था, जिसने फौजी की बाइक को टक्कर मार दी। फौजी बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में की पुलिस कर्मचारी रास्ते में लोगों को रोक कर उनका चालान काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि फौजी ने चालान कटते हुए देखकर अपनी बाइक वहां पर न रोककर उसकी रफ्तार और तेज कर दी, जिससे वो सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देख पाया और ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीण व परिजनों को समझाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन ग्रामीणों ने रास्ता नहीं खोला। परिजन और ग्रामीण की मांग है कि जिस पुलिस वाले ने फौजी को रोकने के लिए डंडा मारा था, पहले उसे बुलाओ, फिर खुलेगा जाम। यमुनानगर के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सभी जाम को खुलवाने में नाकाम रहे। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।